बिहार विधानसभा चुनाव के दंगल में राघोपुर से एक बार फिर से मैदान में उतरे तेजस्वी यादव की संपत्ति 5 साल में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इसका खुलासा खुद तेजस्वी यादव ने अपने दायर हलफनामे में किया है। तेजस्वी यादव अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सके, वे अभी भी 9वीं कक्षा ही पास हैं। तेजस्वी ने राघोपुर विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को नामांकन के समय दिए हलफनामे में इस बात का जिक्र किया है। साल 2016 में दिल्ली के आर के पुरम में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से 9वीं कक्षा की पढ़ाई तेजस्वी यादव ने पूरी की, जिसके बाद वह क्रिकेट और बिजनेस से जुड़ गए। साल 2015 के चुनाव में उनके द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 2,32,56,322 रुपए की चल अचल संपत्ति थी, जो अब दोगुनी हो गई है। राघोपुर सीट से नामांकन के दौरान उन्होंने हलफनामे में ब्यौरा देते हुए लिखा है, उनके पास अब 5,88,90,061 रुपए की चल अचल संपत्ति है। तेजस्वी यादव ने साल 2015 में जिन संपत्तियों की जानकारी दी थी उसमें उनके पास 91,52,500 रुपए की चल संपत्ति थी। इनमें से उनके पास 1,20,000 नकद जबकि 22 लाख से ज्यादा के शेयर थे। उनके पास उस वक्त 100 ग्राम सोना था जबकि 1,07,00,000 रुपए का पर्सनल था।